क्यों थका रहे हो? जल्दी करो ये टॉस की नौटंकी, फिर अंदर जाकर बचा हुआ क्वार्टर भी खत्म करना है ना। ओह नो। क्वार्टर से याद आया, कौवे जैसी तेरी शक्ल है और पौवे में फंसी तेरी अकल है। ये टॉस की नौटंकी तू खत्म करवाएगा या हम? जल्दी करवा, मैच वैच खेले और फिर घर जाए। चामड़ी, मैंने देखा हिंदुस्तानी चामड़ी। ओह नो। अर्ज किया है, तेरे होठों की मुस्कुराहट की हिफाजत हम करेंगे, तेरे आंखों से बहते हुए आंसू की बगावत हम करेंगे। ओह नो। भाई ये तो मीठा है। ओ चाशनी में डूबे हुए हलवे, कौन सा खेल खेलने आए ये? अंपायर टॉस करवा जल्दी, यहाँ मुझे माहौल ठीक नहीं लग रहा। ओहो, मैं तो झांझ में टॉस का सिक्का ही लाना भूल गया। वाह नीनी वाह, बस इस चीज की कमी थी। ओह नो। अभी तो अपना सिक्का दे रहा हूँ, पर सालो वापस चाहिए मुझे। अरे हाँ हाँ, पक्का वापस करेंगे। हाँ जी, हम भी वापस करेंगे। ये ले और अब कर पहली फुर्सत में टॉस। आज तो ये टॉस भी हम जीतेंगे और वहाँ मैच भी हम ही जीतेंगे। और चीनी के पराठे, अब सुन ध्यान से, कितनी बार आके हमने तुम्हारे घर में तुम्हें धूल चटाई है। oh, no. अब यहाँ खेलने आए हो, पर बेटे तुम नहीं जानते कि अब तुम्हारे सर कितनी बड़ी शामत आई है। शामत आई तो उसको भी देख लेंगे, और अगर तुम प्यार से बोल दो तो हंसते हंसते ये हार भी ले लेंगे। oh, no. ये तुम्हारा मीठा खेल खत्म हो गया हो तो टॉस कर लें। बूतनी के, यहाँ मेरी इज्जत खतरे में आ रखी है और तुझे पता नहीं किसकी बारात का इंतजार है जो तू अब तक टॉस नहीं करवा पा रहा है। अरे भाई कैसी बात कर दी, ये लो अभी करवा देते हैं। बोलो क्या चाहिए, इंग्लिश या हिंदी? ओ सरकारी स्कूल के पीछे पड़े हुए डिफॉल्टर, एक के सिक्के में तेरे बाप ने इंग्लिश हिंदी छपवाया था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के किया है पहले बल्लेबाजी का फैसला, अब देखना होगा टॉस जीत तो लिया ऑस्ट्रेलिया ने, क्या वो मैच भी जीत पाएगी या नहीं। और जिनको कर दिया है सबने कॉर्नर, आ रहे हैं बल्लेबाजी पर डेविड वार्नर, साथ ही में मीठे के शिकार और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पिंच। चाय में डूबे हुए बिस्किटों, आज अगर तुम्हें दाग लगे हुए कपड़ों की तरह ना धोआ तो मेरा नाम भी लहर नहीं। वार्नर नाम है मेरा, वार्न करना काम है मेरा, आज तेरी बॉल को ऐसा उड़ाऊंगा कि उन बॉलों को ढूंढना बन जाएगा जिंदगी भर का काम तेरा। ओह नो। वार्नर ने कर दिया है लहर को वार्न, अब देखते हैं कि क्या कर पाएंगे लहर अपनी बॉलिंग से कोई कहर। लहर बहुत ही गुस्से में दिख रहे हैं और बॉल डालने को तैयार। लहर की अगली गेंद, बॉल जाके लगी सीधा वार्नर के पैर पर, और यहाँ एक एलपीडब्ल्यू की अपील। ओह नो। क्यों क्या हुआ? पहले तो बड़ा वार्न कर रहा था, अब बॉल नहीं दिख रही क्या? दिखाएंगे दिखाएंगे, बॉल के साथ साथ तुझे दुनिया दिखाएंगे। लहर फिर से बॉल डालने को तैयार, और अब तक उन्होंने वार्नर के कुत्ते फेल कर दिए हैं, अब देखना होगा कि क्या वो इस बॉल पर भी वार्नर की ले पाएंगे विकेट। और ये क्या, लहर ने बॉल डाली, वार्नर ने तेजी से बल्ला घुमाया, बॉल लगी है सीधा फिंच के गलत जगह पर। भाई ये क्या कर दिया, अब हम बच्चा कैसे करेंगे? हाय हाय। डोंट वरी, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा खासा चौका लग गया था, तुमने बीच में अड़ाकर रोक दिया है। यहाँ मेरे अखरोट फूट गए और तुम्हें अपने चौके की पड़ी है। oh, no. अवे साले, माफ कीजिए, गुस्से में हम थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं। शर्मा जी आज ये पूरा 8 लीटर दूध पी के मैदान में उतरे हैं, देखना होगा कि आज ये कुछ उखाड़ पाएंगे या वापस जाके फिर से दूध की डिलीवरी करेंगे। और यहाँ वार्नर ने 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल डाली, वार्नर ने बल्ला घुमाया और पिंच कुछ अजीब तरीके से भाग रहे हैं, लगता है कि बॉल उन्हें कहीं गलत जगह ही लग गई है, और वार्नर में ना जाने कौन से बाबा आ गए हैं।
और सर जडेजा ने सीधा बॉल मारी है ठिकाने पर और पिंच को जाना होगा वापस ठिकाने पर। मैच की आखिरी बॉल ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं 320 रन। अब देखना होगा कि आखिरी बॉल जो कि चरस डालने वाले हैं क्या कमाल कर पाएंगे। ये चरस बॉल डालने को तैयार, सामने है विल स्मिथ के छोटे भाई स्टो स्मिथ जो कि काफी गुस्से में है। अंपायर के लिए अर्थी का जुगाड़ होता हुआ और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं 324 रन। अब देखना होगा कि क्या इंडिया ये स्कोर बना पाएगी या नहीं। आज दिखाऊंगा कि इन बाजों में है कितना दम और पता लगेगा इन सबको कि मैं भी नहीं हूँ धोनी से कम। ओह नो, आ जाओ बहन के भाइयों, इन्ने रन पड़वा के लाए हो तुम लोग, अब रन कौन बनाएगा। भाई मुझे दो एक मौका, मैं जाता हूँ आज पहले और दिखाता हूँ कि कैसे देते हैं इन एलियंस को जवाब। ओ पंत तू रहने दे, तेरा फॉर्म सही नहीं चल रहा, राहुल को भेज दूंगा। राहुल को भेज दोगे तो फिर क्यों लाए मुझे इस टीम में, क्यों मुझे बदला, क्यों बनाया मुझे ऐसा, क्यों दिखाए मुझे वो धोनी बनने के सपने। ताकि आप मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था, और सच ये है कि आज आप राहुल को भेजना चाहते हो। गोली भाई मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर ही भरोसा करते हो और किसी पे नहीं। नहीं नहीं, आज ओपन राहुल और शर्मा करेंगे। ओह नो, नहीं आज मैं ओपन जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। मैं और मेरी बैटिंग के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया। ओह नो गोली भाई, इन हाथों ने सिर्फ हिटिंग करना छोड़ा है, छक्का मारना नहीं भूले। आज अगर कोई मेरी जगह ओपन करने गया तो आज यहाँ मौत का नंगा नाच होगा और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर में हेलमेट होगा। लाशें बिछा दूंगा लाशें। ओ भाई एकदम से तूने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। ओ भाई मारो मारो मुझे मारो। तू जा भाई, यहाँ लाशें मत बिछा, बाहर जाकर रन बनाकर दिखा वरना तेरा कुत्ता मैं बनाऊंगा। और भाई मैं, अरे तू तो अपना ही लड़का है, तू चिंता मत कर, तुझे मैं अपने बाद भेजूंगा। हैं? अबे छोटे फिर आ गया तू, तो फिर अब ये सुन, गहरा पानी है यहाँ और ये शार्क जोन है। ओह नो, वैसे है तो तू दिल्ली का पर तू जानता नहीं तेरा बाप कौन है। एलियन जैसी तेरी शक्ल है और घुटनों के नीचे छुपी तेरी अकल है। oh, no. और आज तू देखेगा कि इस छोटे के शॉट का नहीं तेरे पास कोई हल है, क्योंकि बेटा मेरी बंदी का बर्थडे आज नहीं कल है। तू पिक्चर में आ रहा है छोटे, बहुत आर्ट बहुत आर्ट। और यहाँ अंपायर के डांटने के बाद मैक्सवेल अपनी गंदी शक्ल को और गंदी बनाते हुए बॉल डालने को तैयार। गुप्ता जी मुझे ये मैक्सवेल की शक्ल भी पसंद नहीं आई। आथू और ये मैक्सवेल ने धड़कते हुए शोले की तरह बॉल को फेंका और वही ऋषभ ने आगे बढ़कर लगा दिया है छक्का। जांपा बॉल को अपने थूक से साफ करते हुए, यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि वो बॉल को साफ कर रहे हैं या गंदा। शर्मा जी अच्छा हुआ ये इंडिया में पैदा नहीं हुआ, वरना ये गली में क्रिकेट खेलते और हर ओवर में बॉल नाली में जाती। फिर अगर ये ऐसे ही साफ करता तो गुप्ता जी जांपा को बहुत विचित्र विचित्र स्वाद जानने को मिलते। ओए हिटमैन बचा ले अपना किला, नाम है मेरा बागड़ बिल्ला, और अगर आज नहीं किया मैंने तुझे बोल्ड तो मैं भी नहीं अपने पड़ोस का पिल्ला। जानता हूँ तुझे, तू कितना बड़ा है दल्ला, दिन में ऐसे सपने ना देख वरना दुनिया बोलेगी तुझे झल्ला, समझा मेरे लल्ला। और अब मत मचा हल्ला वरना मुंह पे पड़ेगा ये बल्ला। जांपा ने 2 लाख किलोमीटर की स्पीड से बॉल डाली, उधर रोहित अपनी पूरी सुस्ती में जब तक बल्ला नीचे करता तब तक बॉल घुस गई विकेट में।
और यहाँ रोहित बहुत जल्द आउट होकर जाते हुए धूप न आने की वजह से जादू का जादू काम नहीं कर पा रहा है। ग्राउंड में बहुत ही खतरनाक माहौल। इंडिया को चाहिए आखिरी बॉल पर 4 रन और सामने है पंत। क्या बोलते हैं गुप्ता जी, क्या आज अपने कलंक वाले मुंह को ऋषभ साफ कर पाएंगे? शर्मा जी, मुझे पंत से पूरी उम्मीद है, यही है वो जो इंडिया को हार के पास ले जाएगा। और यहाँ गोली पंत को बॉल से पहले माँ बहन की कस्में देते हुए। छोटे आज ये मैच जिता दे, जहाँ बोलेगा दिल्ली में वहाँ तेरे को मोमोज खिलाऊंगा, वो भी 2 प्लेट। और भाई मीठे में? अबे साले, यहाँ मेरा कच्चा फटने की हालत हो रखी है और तुझे मीठा खाना है। ओह नो, माफ कीजिए, मैं गुस्से में जरा इधर उधर निकल जाता हूँ। तू जहाँ बोलेगा वही से मीठा खिलाऊंगा, बस तू आज मैच जिता दे। ठीक है भाई, अब आप देखो। जय माही भाई, मदद करो। और स्टाइनिस ने बॉल डाली अपनी औकात की बाहर की स्पीड से। ऋषभ ने जय माही बोल का बल्ला घुमा दिया है और बॉल हवा में। फील्डर बॉल की तरफ तेजी से भागते हुए, लेकिन ये क्या, पंत ने बॉल इतनी तेज मारी कि बॉल फील्डर को बाउंड्री गई और इसी के साथ इंडिया जीत की। पंत ने आखिर अपने मुंह से कलंक साफ कर ही दिया।